हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? लगभग ठीक ही होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 3.3 के कुछ क्वेश्चन। जैसे कि हमारे हो गए 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारे हो गए हैं, और इन्हें हमें सबको प्रतिस्थापन विधि से करना था। जैसा कि दोस्तों हमने प्रतिस्थापन विधि अच्छे से सीखा है। अगर आप लोग चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप भी देख सकें अगला वीडियो, या फिर और ये वीडियो देखने के लिए चैनल में जाइएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं, देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर इसका आप लोगों को इस तरह का बुक का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, या फिर वीडियो में एक हमने सिलेबस का वीडियो बनाया है, वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल से भी कर सकते हैं, पर अगर गूगल में आप लोग ना पाएंगे तो वहाँ लिंक से डायरेक्ट जा सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए आज का अपना स्टार्ट करते हैं। आज हमें पढ़ना है ये दूसरा क्वेश्चन। ठीक, ये हमारे हो गए हैं, इसके अगले क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। दोस्तों, अभी हमने 3.1, 3.2 नहीं पढ़ा है, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये थोड़ी ज़्यादा अच्छे हैं, ये बनना ही चाहिए प्रतिस्थापन विलोपन विधि। चैनल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। तो दोस्तों, हमें जैसा कि अभी हमने बताया, ये हमें पढ़ना है 2x+3y = 11, और 2x-4y = -24 को हल कीजिए, और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx+3 हो। तो दोस्तों, अभी हम इसमें बना रहे हैं, जल्दी ही हम वीडियो बोर्ड में बनाएंगे। तो दोस्तों, अब हमारा लगभग अगला वीडियो जो आएगा तो बोर्ड में ही आएगा लगभग, या फिर इसके क्वेश्चन करने के बाद आएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ये जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन बताया, ये हमें हल करना है। इसमें भी क्या करना है हमें, प्रतिस्थापन विधि से हमें एक्स, ये जो प्रतिस्थापन विधि लिखी है, इस विधि से हमें इसमें x और y की पहले वैल्यू निकालनी है, फिर यहाँ x की जगह पे रखना है और y की जगह पे फिर m का मान निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। और दोस्तों, अगर आपके दोस्त भाई कोई 10th में होंगे तो उसको उनको लिंक भेजिएगा चैनल की, ताकि वो भी सब्सक्राइब करें, हमें भी सपोर्ट होगा और उनको भी सपोर्ट होगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं आप लोग जो कमेंट करेंगे, मैं उसे बताऊँगा, मैं लाइव भी आता हूँ, जैसा कि हमारे वीडियो कुछ पड़े हुए हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं। ये हमने लिख लिया, उसके क्वेश्चन के बाद हमने लिख लिया चूँकि, यहाँ ये दूसरा क्वेश्चन जैसा कि हमने लिखा है 2x+3y = 11 और 2x-4y = -24। समीकरण एक, समीकरण दो। ठीक दोस्तों, यहाँ पास समीकरण एक दो हमने मान लिया, समीकरण एक या दो से हमें अगला समीकरण बनाना होता है। तो चलिए देखते हैं, एक ही से देखेंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण एक, ये एक से एक से लिख दिए, अब लिखेंगे 2x+3y = 11। यहाँ एक्स या बाई को रोकना होता है, जो कि हम एक्स को रोक रहे हैं, 2x रोक लिए तो 11-3y इधर चला गया, यहाँ पास से एक्स को रोके तो 11-3y/2। ये हुआ समीकरण तीन। यहाँ ये वाली गिनती रखेंगे, रोमन वाली, अगर यहाँ रोमन वाली रखते हैं तो रख सकते हैं, बट मैंने यहाँ ये वाली रखी है तो इसी तरह रखेंगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि अभी हम यहाँ पास बता दूँ मैं, ये जो एक्स की वैल्यू आई है, ये अभी ये हमारे पास, इसे हमें दो में रखना है, क्योंकि आप लोग अगर नए होंगे तो समझ लीजिएगा, जिस समीकरण से हम समीकरण तीन बनाते हैं उसमें हम नहीं रखते हैं प्रतिस्थापन विधि में। प्रतिस्थापन का मतलब प्रतिस्थापित करते हैं, जैसे एक को लिया इस तरह करा, फिर इसका जो मान आया उसे हम इसमें रखेंगे अलग में। जैसे हम इसने समीकरण एक से बनाया समीकरण तीन, तो दूसरे में रखेंगे। अगर दूसरे से हम समीकरण तीन बनाते तो एक में रखते। तो चलिए देखते हैं, दूसरे में हमें रखना है। यहाँ पास हम लिखेंगे एक्स का मान, नहीं, समीकरण तीन का मान, समीकरण, ये पूरा करण होता है, बट हम लोग बिंदी रख के यहाँ ऐसे कर देते हैं, समीकरण दो में रखने पर, दो हमारा ये है, देख ऊपर करके देख, 2x-4y = -24, ये है। यहाँ पास हमें x की वैल्यू रखनी है। चलिए देखते हैं, ये जो x की वैल्यू है इसे हमें यहाँ पुट करना है, 2 11-3y/2-4y = -24। ठीक दोस्तों, अब जैसा कि आप लोगों के दिखाई दे रहा है, इसे हमें इंटू करना होगा अगले, तो यहाँ करेंगे तो इंटू ही करके देख लेते हैं। यहाँ वैसे इसको भी कट सकता है, बट यहाँ भी होगा क्योंकि सम में है ना, तो यहाँ भी अगर इसका पूरे में दो का भी गुणा कर दीजिए, इसे रह हटा के, या फिर
चलिए मैं बता देता हूँ, गुड़ाई करके आसान होगा, इसे इधर उधर करने में गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इसे काट देंगे जल्दी से तो यहाँ कुछ ना रह पाएगा, तो यहाँ की वैल्यू गलत हो जाएंगी। इसलिए सबसे पहले इसे हमें इसे के अंदर गुणा करना होगा कोष्टक के अंदर। तो ये 11 में हुआ तो 22, 11 दूना 22 माइनस ये इसके साथ गुणा होगा तो 3 दूनी 6 बाई बट्टे 2, ये रहेगा दोनों के साथ जैसा कि दोनों के साथ है, और इनको ऐसे ही रखेंगे 4 बाई इक्वल टू माइनस, इसको भी इधर ला लेते हैं तो प्लस हो जाएगा +2 24 इक्वल टू 0, इसको भी इधर ला लिए जो कि प्लस में हो गया। ठीक, अब हमें यहाँ पास लघुत्तम का, यहाँ पास जो भिन्नों का होता है ना, भिन्नों का घटाना जोड़, वो यहाँ पास बन चुका है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब एक है, तो पूरे का एलसीएम लेंगे तो 2 2 से ये कट जाएंगे तो ये आएगा सेम ही आ जाएगा, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, इससे इसे भाग देंगे तो एक आएगा, एक ऊपर ऊपर एक का गुणा होगा तो वही संख्या उतर आएगी, वही पूरी वैल्यू, यहाँ कुछ नहीं मतलब एक है, तो जब एक से 2 का भाग देंगे तो आएगा, ऊपर 2 का गुणा होगा तो 4 दूनी 8 बाई, प्लस यहाँ भी कुछ नहीं मतलब एक, तो ये 24 दूना 48 होता है, जैसे कि 4 दूनी 8 2 दूनी 4। यही मैं दोस्तों यहाँ पास बोल रहा था कि अगर इसको हमें काटना होगा इसको इसको, तो यहाँ पास गुणा करने में गड़बड़ी हो सकती है, जिससे डाउट हो सकता है, हमारा आगे की वैल्यू गलत हो सकती है, इसीलिए हमें इस तरह करने में आसानी होती है। आप लोग जब बनने लगेगा तब तो अच्छी बात है, बट अभी इसी तरह करिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। जैसे ये 22 माइनस 6 बाई माइनस 8 बाई इक्वल, ये माइनस यहाँ पास +48, इसको रहने देते, इसको इधर भेज देते हैं, जैसा कि 2 का 0 के साथ गुणा होगा तो ये वैल्यू क्या हो गई हमारी 0, इसीलिए अब नीचे कुछ ना बचेगा, इधर 0 बस रहेगा। अगले स्टेप में 22 माइनस 6 बाई माइनस 8 बाई इक्वल टू 48, बट माइनस के साथ, क्योंकि इधर प्लस में था तो इधर जाएगा तो माइनस में, इसे इसे जोड़ेंगे और इसे इसे एक साइड करेंगे। तो चलिए देखते हैं, इसे इसे जब जोड़ेंगे, ये माइनस माइनस से जुड़ेगा, बट चिन्ह माइनस, -48 इधर ये है तो इधर गया तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पास चिन्ह माइनस की रहेगी। ठीक, अब ये -14 बाई 14 बाई इक्वल टू, ये माइनस है तो ये भी क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे चिन्ह माइनस के आगे, तो 8 2 10 के 0 9 1 4 5 6 7 70। ठीक, ये माइनस है, क्या हुआ यहाँ है 22, इधर गया -70 बटे -14, ये दोनों कट गए तो प्लस हो गए, अब ये भी अगर कट जाएंगे तो वैल्यू इसकी और छोटी आ जाएगी। काट के देखते हैं, 2 से पहले काटते हैं तो 2 दूनी 4 2 3 6 और 1 बचे तो ये 10 हुआ तो 5 35 दूना 70, जैसा कि होता ही है, ये 2 से काटेंगे तो 7, ठीक 7 5 35, मतलब 22 इक्वल टू, कम करेंगे 14 5 70 होता है जैसा कि, तो सबसे पहले छोटा करके काट लेंगे, फिर जैसे कि हमें पता चल गया 7 7 5 35, तो इस तरह हो जाएगा, वैसे 14 5 70 होता है जैसा कि आपको पता ही है। बाई की वैल्यू आ गई 5, अब जो बाई की वैल्यू हमारे पास 5 है, इसे याद करिएगा, ऊपर चल के देखते हैं क्या करना है। ये जो बाई की वैल्यू आई है हमारे पास, इसे हमें एक्स की वैल्यू निकालने के लिए ये हमारे हमें क्या करेगा, मददगार होगा। तो हम एक्स की वैल्यू निकालने के लिए समीकरण 3 यूज करेंगे, लिखेंगे एक्स जो बाई है, तो वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक दोस्तों, 3 हमारा ये है, इसी में हमें बाई की जगह भी वैल्यू रख देनी है, बस कुछ नहीं करना है, पहले इसे उतारेंगे, एक्स इक्वल टू 11 माइनस 3 बाई अपॉन 2, बाई की जगह पे रखेंगे एक्स इक्वल टू 11 माइनस 3, बाई की जगह पे रखेंगे 5 बटे 2, तो एक्स इक्वल टू 11 माइनस 5 15 बटे 2। ठीक, तो एक्स इक्वल टू -4 बटे 2, एक्स इक्वल टू -2। ठीक, क्या मिला हमें, एक्स इक्वल टू -2, बाई इक्वल टू 5। चलिए देखते हैं आगे क्या करना है। चलिए दोस्तों इधर देखते हैं, जैसा कि अभी हमने यहाँ पास लिख लिया एक्स इक्वल टू -2 बाई इक्वल टू 5 लिखेंगे, अतः अभीष्ट हल एक्स इक्वल टू -2 बाई इक्वल टू 5। ठीक, ये हमारे पास मिल गया एक्स इक्वल टू -2 बाई इक्वल टू 5, इस तरह बोल सकते हैं हिंदी में, x बराबर -2
और बाई बराबर पाँच। ठीक दोस्तों, तो चलिए आगे देखते हैं उसमें आगे क्या लिखा था। आगे लिखा था कि एम का वह मान जांच के जिसके लिए वो कुछ क्या दिया था, इक्वेशन एक दी थी, इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस थ्री। ठीक दोस्तों, y इक्वल टू एम एक्स प्लस थ्री ये इक्वेशन दी थी, जो कि हम अब चूज करके लिख सकते हैं। अब चूँकि ठीक लिख दिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस थ्री, एम एक्स प्लस, अब यहाँ हमें y और x की वैल्यू रख देनी है। तो दोस्तों यहाँ इक्वेशन हमने लिख ली है y इक्वल टू एम एक्स प्लस थ्री, यहाँ पास वैल्यू रखना है y की जगह पे पाँच और x की जगह पे माइनस दो। तो जैसा कि हमने y की जगह पे पाँच रख दिया और बराबर करके m इंटू, ये इंटू में है गुड़े में, तो x की जगह पे माइनस दो रख दिया, प्लस तीन है ये। ठीक दोस्तों, ये जैसा कि तीन है, अब हमें क्या करना है, पाँच और इसको ये जो ये है सेम कैटेगरी के, इसे एक तरफ करना है। तो हमने इसे क्या करेंगे, इधर ही ला लिए, इक्वल टू माइनस दो एम, माइनस टू एम, ये घटेगा तो टू इक्वल टू टू माइनस टू एम। तो और करके अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ क्या कर देंगे, माइनस टू एम इक्वल टू टू, इस तरह इसी को इधर ले ले, इसी को इधर, ताकि हमें क्या हो, एम को जब रोकेंगे तो टू अपॉन टू माइनस के साथ, जो कि एम इक्वल टू माइनस वन, इससे इसे एक कट जाए। ठीक दोस्तों, तो इस तरह ही एम इक्वल टू क्या आया, वैल्यू हमें मिली माइनस वन। तो एम का अभीष्ट मान माइनस वन, जो पूछा था कि एम का वह मान याद कीजिए, तो एम का वह मान हमें क्या मिला, माइनस वन, जो कि हमें ये मिला है माइनस वन। तो दोस्तों इस तरह हमें करना है। तो इसका अगला क्वेश्चन क्या है, तो दोस्तों ये अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित, तीसरा है अब ये, निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए, मतलब ये जो इक्वेशन ऊपर दी है इन्हें हमें इसके सहारे, जो दिया हुआ ये लिखा है इसके सहारे में इस तरह बनाना है, उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा कीजिए, और इसी विधि से हमें इनके हल भी करना है। क्या लिखा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो हम क्या मानेंगे, पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, तो x माइनस y इक्वल टू 26, 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या की तीन गुनी है उन्हें जांच कीजिए, मतलब पहली संख्या जो x मानेंगे वो दूसरी संख्या के तीन गुनी है, मतलब x इक्वल टू 3y। ठीक दोस्तों, इस तरह हमें हल करना है। तो चलिए देखते हैं, जैसा कि आप लोग को क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये दो संख्याओं का योग दूसरी संख्या की तीन गुनी है उन्हें जांच कीजिए, यही बस लिखा है। ठीक दोस्तों, तो चलिए इसे बस देखते हैं, बाकी किसके अगले क्वेश्चन इधर अगली वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों इस तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब बस कीजिए, जो टेंथ में उन्हें शेयर कीजिएगा। जल्द ही अब हम बोर्ड में पढ़ाने वाले हैं, विलोपन विधि से बोर्ड में ही बनाएंगे जैसा कि हमने बताया था। तो यहाँ पास दो संख्याओं का अंतर, तो हम यहाँ पास हल करके लिख लेंगे, तीसरे का हल है। ठीक, माना पहली संख्या, उसमें दो संख्या बोला है ना, दो संख्या, हाँ, तो पहली संख्या यक्स तथा दूसरी संख्या बाई है। ठीक दोस्तों, पहली संख्या यक्स एवं दूसरी संख्या बाई है, तब यहाँ से लिखेंगे प्रश्न अनुसार, प्रश्न क्या कह रहा है, अभी तो हमने मान लिया है, मान लिए है। ठीक, प्रश्न हमारा ये क्या कहता है कि पहली जो संख्या है ना, दो संख्याओं का अंतर, मतलब ये x और y का अंतर, तो क्या लिखेंगे, x माइनस y इक्वल टू 26, ये इक्वेशन हमारा एक हुआ। ठीक, फिर इसके बाद क्या बोला है, और तो हम यहाँ और भी लिख सकते हैं या एवं लिख सकते हैं, और दूसरी संख्या क्या बोला है, एक संख्या दूसरी संख्या की तीन गुनी, मतलब एक संख्या दूसरी संख्या की तीन गुनी है, मतलब ये बोल रहा है कि पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या पहले वाले से तीन गुनी है, मतलब इसमें तीन का गुणा होगा, तो x इक्वल टू 3y, इक्वेशन टू। ठीक दोस्तों, इस तरह हमें इक्वेशन एक और दो मिल गई हैं 3y। अब हमें क्या करना है, बस कुछ नहीं, वहाँ पास हम लोग ने प्रतिस्थापन विधि से क्या करते थे, समीकरण एक या दो से किसी एक की वैल्यू निकालते थे, जो कि यहाँ पास इसकी वैल्यू एकदम ऐसे हुई कि मतलब
निकली टाइप की है, तो हमें इसमें कुछ नहीं करना है, हमें लिख देना है कि समीकरण दो का मान, समीकरण, ये समीकरण है एक में रखने पर, बस कुछ नहीं करना है, एक में रख देना है। तो एक्स की जगह पे रखेंगे तो 3y-y बराबर 26 इक्वल टू 26 बराबर 26, ठीक। इस तरह हुआ, ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो 2y इक्वल टू 26, ठीक दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को ना दिख रहा होगा बट अब दिखाई दे रहा है, ये हुआ। इसके बाद y को रोक देंगे, 26 अपॉन 2 इक्वल टू 13, y बराबर 13, ठीक दोस्तों। तो y बराबर हमें क्या मिला, 13। अब जो y की वैल्यू है ना, उसे हमें क्या करना होगा, अलग ये समीकरण किसी में भी रख के x की वैल्यू निकालनी होगी। चलिए देखते हैं, जैसा कि ये बहुत आसान था बट इक्वेशन बनाने में थोड़ी दिमाग लगानी पड़ती थी, यही इसमें एक थोड़ी कन्फ्यूजन वाला था। अब ये हमें मिल गया y की वैल्यू, तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण दो में रखने पर, जो कि दोस्तों दो है ना, ये क्या है, एकदम बना हुआ है, जैसा 3 हमारा बना हुआ रहता था कि x इधर है, तो इधर y की वैल्यू रख देंगे तो आ जाएगा आसान से, उसी तरह x इक्वल टू 3, y की जगह पे रख देंगे 13, तो x बराबर 13 दूनी 26, 13 तिया 39, ये होता है 39, तो x इक्वल टू इतना, y इक्वल टू 13, ठीक दोस्तों। x बराबर हमें क्या मिला, 39 मतलब 39, और y बराबर 13, ठीक। तो क्या लिखेंगे, जो पूछा था कि उन्हें जांच कीजिए दो संख्या, तो हमारे पास क्या आ गई, संख्याएं क्रमशः ये हैं, तो लिखेंगे अतः, क्या बोला था, दो संख्याओं का अंतर, पहली संख्या मैंने हमने क्या माना था, माना पहली संख्या से, हाँ तो लिख देंगे अतः पहली संख्या 39 तथा दूसरी संख्या 13, या फिर आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पास, वही पहली दूसरी मतलब जो माने थे उसी के अनुसार कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक। या लिख सकते हैं कि अभीष्ट संख्या क्रम से ये है, वही पहली संख्या ये, पहले और दूसरी ये। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो पाने के लिए, और अगली वीडियो में हम देखते हैं इसके अगले क्वेश्चन, जो कि आसान तरीके से देखेंगे। तो दोस्तों जो आपके 10th में होंगे उनको वीडियो शेयर कीजिएगा ज़रूर, और दोस्तों चैनल में सब्सक्राइब कीजिएगा जो नए होंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगली वीडियो में हम इसी के कुछ क्वेश्चन देखेंगे, फिर अगली वीडियो जो आएगी दोस्तों तो उसे हम बोर्ड में देखेंगे, प्रतिस्थापन भी हो सकता है, तो हो सकेगा तो हम इसे भी बोर्ड में ही बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।